आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज का परमात्मा सद्गुरु है। दूसरी ओर आपका प्रश्न आएगा, सद्गुरुओं को तकलीफें क्यों होती है? सद्गुरु का व्यवहार ऐसा विचित्र क्यों रहता है? आ सकते हैं बहुत सारे, देखो प्लस और माइनस। जैसे मैंने बताया ना, जो समाधिस्थ गुरु है उनको पकड़ना खूब कठिन है। क्यों कठिन है? उनको इतना महिमा मंडित करते हैं, इतनी एबनॉर्मल बातें उनके बारे में कहते हैं कि अपने को लगता है वो अपने पकड़ के बाहर है। वो अपन ऐसा अपन हो ही नहीं सकते कभी। और जीवंत तो गुरु का देखने जाएंगे तो आप देखोगे, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, रमण महर्षि को कैंसर हुआ था, रमण महर्षि की डेथ कैंसर के कारण हुई थी। तो उनको बीमारियां कैसे हो सकती है? आप ना एक जीवंत गुरु की कल्पना एकदम ऐसे एक मशीन से तैयार कर लेते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको कोई तकलीफें नहीं हो सकती, जिसको कोई पीड़ा नहीं हो सकती, जिसको कोई परेशानी हो, कुछ नहीं हो सकता उसको। अरे वो दूसरों की बीमारियां ठीक करता है, वो दूसरों की पीड़ा ठीक करता है, दूसरों की समस्याएं दूर करता है, उसको समस्या कैसे हो सकती है? लेकिन रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, रमण महर्षि को कैंसर हुआ था, कैंसर हुआ था यानी उनका हवामंडल, उनका ओरा इतना अच्छा होने के बाद में फिर कैंसर उन तक कैसे पहुंचा? देखो मान लो कि उनका ओरा अगर 20 फीट का है, 25 फीट का है, तो 25 फीट में कोई भी व्यक्ति अंदर आए, अंदर नहीं आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई उसको तोड़ करके अंदर आता है और कोई अपनी बीमारियां उनके अंदर डाल के जाता है तो उसको वो नहीं रोक सकते। इसीलिए देखो ना, मैंने कैंसर से मृत्यु होने के बाद भी आज भी उनका ओरा बना हुआ है, आज भी उनका आभामंडल बना हुआ है, आज भी उनका चैतन्य का पुंज बना हुआ है। क्या कारण है? यही कारण है कि उनकी खुद की स्थिति खूब अच्छी थी, लेकिन साधकों ने अपना दोष, अपनी बीमारियां। और दूसरा आप सोचो ना, लाखों लोग जब एक ही व्यक्ति के ऊपर चित्त रख रहे हैं, लाखों लोग एक ही व्यक्ति पे अपने दोष डाल रहे हैं, दोष समर्पित कर रहे हैं, और दूसरा एक ओरा के दूर रह करके, उसके प्रोटेक्शन से दूर रह करके कर रहे हैं तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर उसके ओरा को तोड़ करके, उसके प्रोटेक्शन को तोड़ करके कर रहे हैं तो उसको तकलीफ होगी, उसको परेशानी होगी। कई बार किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाएंगे ना तो आपको देखेंगे वो पागलों सरी के पत्थर मारते रहता किसी को, कोई पास में आएगा ना उसको पत्थर मारेगा। पहली बात तो जीवंत गुरु प्रचार प्रसार से दूर रहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है प्रचार करने में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है लोगों को रिझाने में, लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसका, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। तो वो नहीं चाहता कि उसके पास कोई लाए तो वो पत्थर मारता है, लेकिन उसका पत्थर आज तक किसी को भी लगा नहीं है कि उसकी विशेषता है। कई आपको गुरु ऐसे मिलेंगे जो खूब गंदी गंदी गालियाँ देंगे, तो वो भी उनका एक क्षेत्र है, वो भी उनका एक खेल है कि वो देख करके कोई लोग उनके पास में नहीं आए। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको गांजा पीते हुए मिलेंगे, अपन सोचेंगे ये गांजा पी रहे हैं कैसे गुरु, नहीं, वो भी उनके एक तंत्र साधना का हिस्सा है। मुझे याद है गुना में एक गुरु थे जो शराब पीते थे, लेकिन कभी भी उनके मुंह से शराब की बदबू नहीं आई, वो भी उनकी तंत्र साधना का हिस्सा था। तो कहने मतलब कई गुरु ऐसे हैं जिनके व्यवहार से उनको पकड़ना, उनको समझना अत्यंत कठिन है। अभी हाल ही में आचार्य सम्मेलन हुआ था दांडी में, और तुम्हारी कच्छ के एक साधक ने मुझे प्रश्न किया था, स्वामी जी सद्गुरु को अगर पीड़ा होती है, सद्गुरु को अगर तकलीफ होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी तकलीफें कैसे कम कर सकते हैं, हम उसकी पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं? उसने प्रश्न किया था। देखो मैं कभी भी किसी भी विषय के ऊपर सोचता नहीं हूं, जब आप कुछ प्रश्न पूछते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उस प्रश्न का उत्तर धीरे 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 मेरे अंदर उतरता है। आज जो उतरा है वही आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सद्गुरु की पीड़ा कैसे दूर की जा सकती है, सद्गुरु की तकलीफें कैसे दूर की जा सकती है, और सद्गुरु को तकलीफें कैसे हो सकती है,
एक तो मैंने बताया उसका आभा मंडल तोड़ करके, उसका ओरा तोड़ करके, अगर उसके सुरक्षा कवच को तोड़ करके तुम अंदर आकर के अपने दोष डालते हो, अपनी तकलीफें डालते हो, अपनी परेशानियां डालते हो, तो परेशानियां उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और पहुंचाती है। अब कल्पना करो कि खूब सुंदर पहाड़ है, कल्पना करो, तो कल्पना करोगे ना तो एकदम आपको मेरी बात सीधी सीधी समझ में आएगी। और उस पहाड़ के ऊपर से खूब जोरदार जोर से पानी से खूब अच्छा झरना बह रहा है, एकदम स्वच्छ निर्मल स्वच्छ पानी उस पहाड़ पे से झरना बह रहा है। अच्छा, उस झरना को आप समझ लो गुरु कृपा। कई बार रहते हैं ना, कई स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दो, स्वामी जी कृपा कर दो, तो ये दोनों शब्द बेमानी है। गुरु कृपा को भी कोई अर्थ नहीं है, गुरु के आशीर्वाद को भी कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। गुरु कृपा के ऊपर गुरु का कोई नियंत्रण नहीं है, गुरु के आशीर्वाद पे गुरु का कोई नियंत्रण नहीं है। आज इसीलिए मैंने आपको बताया आपको सत्य दर्शन गुरु के कराऊंगा। गुरु का इन सब बातों पे कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से झरने के ऊपर पहाड़ का कोई अधिकार नहीं, पहाड़ यानी गुरु और झरना यानी वो गुरु कृपा, वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद, वो एनर्जी, वो ऊर्जा यानी वो झरना। अच्छा, झरने के पास जाकर के आप एक कमरा बनाओ, आप एक टेंट लगाओ और खूब उसकी आरती करो। हे झरने भगवान मुझे नहला दे, हे झरने भगवान मुझे नहला दे, हे झरने देवता, खूब तालकुट से बैठो सालों तक, कभी भी स्नान घटित नहीं होगा। कभी भी आपको स्नान नहीं हो सकता, आपका स्नान हो ही नहीं सकता। और इसके इससे अच्छा है कि आप झरने के सामने जाओ और जाते बराबर झरने के नीचे खड़े हो जाओ, और झरने के नीचे खड़े हो जाने में फिर बताने की जरूरत नहीं। कल मैं ना एक कीचड़ में गया था, मेरे पैर को भी कीचड़ लगा है, मेरे हाथ को भी कीचड़ लगा है, मेरे सर में भी मिट्टी भरी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शांत चित्त होकर के झरने के नीचे खड़े हो जाओ। झरने का चैतन्य, झरने का वाइब्रेशंस, झरने का पानी, कौन से पैर में मिट्टी लगी है वह साफ कर देगा, सर में कहाँ मिट्टी भरी है वह साफ कर देगा, पीठ में कहाँ मिट्टी लगी है वह साफ कर देगा, हाथ में कहाँ कीचड़ लगा है वह साफ कर देगा। सर्वांग स्वच्छता, सर्वांग सफाई झरने के नीचे जाने मात्र से ही हो जाती है। फिर झरने को छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और झरने के नीचे नहाते समय आपको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पैर में कहाँ मिट्टी लगी है, आपके सर में कहाँ मिट्टी भरी है, आपके हाथ में कहाँ मिट्टी लगी है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल झरने के नीचे समर्पित होकर के खड़े होना है। झरना सब काम कर लेगा। जब आप नहा करके झरने से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे केवल शरीर ही नहीं, विचार भी साफ हो गए हैं, मन भी साफ हो गया है, चित्त भी शुद्ध हो गया है। ठीक उसी प्रकार से पहाड़ रूपी सद्गुरु की चैतन्य रूपी झरना सदैव बहते ही रहता है। उस झरने के नीचे आकर के अपनी बीमारियों की, अपनी समस्याओं की, अपने प्रॉब्लम की, इन सब बातों की तरफ चित्त ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे ही गुरु सानिध्य पाते हो, गुरु की ऊर्जा सब क्लियर कर देती है, सब साफ कर लेती है, सब शुद्ध कर लेती है। उसको अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप संपूर्ण समर्पित हो गए हैं तो आपकी बीमारियां गुरु की बीमारियां हैं, आपकी समस्याएं गुरु की समस्याएं,
आपकी तकलीफ है, गुरु की तकलीफ है, जो कुछ आपका है सब उसका है। अब आपका अस्तित्व शून्य हो जाओ, अब अपने आप को भूल जाओ, आप देह ही नहीं हो। तो कहाँ आपका हाथ है, कहाँ आपका पैर है, कहाँ आपका सर है, कुछ नहीं है, आप हो ही नहीं, कहीं ना आपके विचार हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो इन छोटी छोटी बातों पे आपका चित्त जाएगा ही नहीं, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ संपूर्ण समर्पित होने की आवश्यकता है। संपूर्ण शुद्ध पवित्र स्नान घटित हो जाएगा। गंगा नहा लिए बोलते ना, ऐसे गंगा नहा लोगे तुम, लेकिन वहाँ जाकर के भी तुम अगर तुम्हारी समस्या की तरफ चित्त लेके जाओगे, तुम अगर तुम्हारे प्रॉब्लम की तरफ चित्त लेके जाओगे तो स्नान घटित नहीं होगा। इसलिए गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद एकदम क्या बोलते हैं ना, बेमानी शब्द है, उनको कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पहाड़ का उस झरने के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किस व्यक्ति को नहलाए, किस व्यक्ति को नहीं नहलाए, किसको कितना नहलाए, कुछ नहीं है। जो झरने के नीचे आ गया उसका स्नान स्वयं ही हो जाता है। तो दोनों अपनी अपनी सीमा में बंधे हुए हैं, पहाड़ अपनी सीमा में बंधा है, झरना अपने सीमा में बंधा है। हाँ, झरना पहाड़ में से बहता है, लेकिन पहाड़ का झरना नहीं है, झरना अलग है और पहाड़ अलग है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु का शरीर अलग है और सद्गुरु का चैतन्य अलग है, सद्गुरु का वाइब्रेशन अलग है, परमात्मा की शक्तियाँ उसके माध्यम से प्रकट होती है, वो परमात्मा नहीं है। झरना झरना है, पहाड़ पहाड़ है, और उसके बाद में आप कल्पना करो ना, उसी पहाड़ का एक पत्थर जो झरने के पास में सालों से पड़ा हुआ है, सालों से रह रहा है, सालों से दिख रहा है कि झरने के नीचे लोग आते हैं, लोगों का स्नान घटित होता है, लोगों की बीमारियाँ ठीक होती है, लोगों के रोग ठीक होते हैं, लोगों के स्वच्छ हो जाते हैं, विचार दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध सब होता है, और वो देख रहा है। एक पत्थर अपने जगह पे रह करके सब कुछ देखता है, रोज देखता है, रोज देख रहा है, सारी प्रक्रिया को देख रहा है, लेकिन उसकी इच्छा भी हो कि मुझे स्नान करने का है, मुझे कोई स्नान कराए, तो वो स्नान नहीं कर सकता। उस झरने के पानी का, उस पहाड़ के पत्थर को कोई उपयोग नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने सीमा से बंधा हुआ है, वो अपना स्थान छोड़ करके झरने के नीचे जा नहीं सकता, झरना अपना स्थान छोड़ करके पत्थर के ऊपर आ नहीं सकता, तो कभी भी वो पत्थर को स्नान घटित हो ही नहीं सकता। हाँ, पत्थर को स्नान एक ही समय घोषित हो सकता है, एक ही टाइम हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है। तो तरीका ये कि जो व्यक्ति स्नान करने को आया है, जो व्यक्ति नहाने के लिए आया है, वो एक बाल्टी पानी भर करके उस पत्थर के ऊपर डाल दे, यानी पहाड़ से बहा हुआ झरने का पानी पहाड़ को ही शुद्ध कर सकता है, पहाड़ को ही पवित्र कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु से ही प्राप्त चैतन्य, सद्गुरु से प्राप्त एनर्जी ऊर्जा को ग्रहण करके प्रार्थना के बाल्टी से अगर आप सद्गुरु के ऊपर डालते हैं तो सद्गुरु की पीड़ाएं, सद्गुरु की तकलीफें दूर हो सकती है। ये एक मार्ग है, एकमात्र रास्ता है, लेकिन वो रास्ता कौन अवलंब करता है? सब लोग जाते हैं बाल्टी लेकर के, तो कोई जाता ही नहीं। सब लोग जाते हैं झरने के नीचे नहाते हैं, स्नान करते हैं, और अपने अपने घर चले जाते हैं, तो किसी को याद नहीं आती कि उस पहाड़ के ऊपर भी एक बाल्टी पानी डाली जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से साधक अगर प्रार्थना करे, प्रार्थना भाव के साथ करे, हृदय के साथ करे, तो सद्गुरु की पीड़ाएं दूर हो सकती है, सद्गुरु की तकलीफें दूर हो सकती है, अन्यथा सद्गुरु अपनी तकलीफें कभी भी दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं, चैतन्य की अपनी सीमाएं, दोनों अपने अपने सीमाओं से बंधे हुए, दोनों अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन इसमें से ये मार्ग है, इसमें से ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में भी एक खतरा है। प्रत्येक मार्ग में, प्रत्येक रास्ते में खतरे होते हैं,
इसके अंदर खतरा ये है। ये मार्ग मैंने इसलिए इतने दिन नहीं बताया, इसके अंदर एक खतरे को देख के नहीं बताया। खतरा ये कि हमारे प्रार्थना से स्वामी जी की तकलीफें दूर हुई, हमारे प्रार्थना से उनकी पीड़ाएं कम हुई। ये अहंकार साधकों को आ सकता है। देखो, जैसे जिस बीज को बो करके एक बहुत बड़ा वृक्ष का निर्माण किया, वही वृक्ष मैं नहीं काट सकता ना। तो इतने सालों के सानिध्य के बाद, सालों के साधना के बाद आप डेवलप हुए, आप वृद्धिगत हुए, तो आपके अंदर अहंकार आने का ये एक मार्ग, ये एक रास्ता मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसलिए ये मार्ग था, फिर भी मैंने किसी को दिखाया नहीं था, किसी को ये मार्ग बताया नहीं था। आप बोलेंगे हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं, सेंटर पे प्रार्थना करते हैं, यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, यज्ञ के बाद प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना केवल शरीर से होती है, अगर प्रार्थना सचमुच भीतर के मन से होती तो ये पीड़ा ही नहीं होती, ये तकलीफ़ ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तकलीफें नहीं है, ये नहीं है कि कोई पीड़ाएं नहीं है। शरीर देखो, एक ध्यान रखना, जहां पे भी रूप आया वहां शरीर आया, और जहां पे भी शरीर आया वहां पे शरीर के दोष आएंगे ही। जैसे मैंने बताया ना, कोई व्यक्ति पत्थर मारेगा, कोई व्यक्ति गालियां देगा, कोई व्यक्ति खूब गंदा गंदा थूकेगा, मतलब सबके अलग अलग दोष आएंगे। ठीक उसी प्रकार से शरीर आया तो शरीर का नाश, शरीर की तकलीफें, शरीर की पीड़ा है, शरीर की परेशानियां होंगी ही। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर पाइप जिसके माध्यम से उनको शुद्ध पवित्र पानी मिलता है, वो पानी का पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो टूटेगा। वही पाइप अगर कपड़े का होगा तो फटेगा। यानी पाइप का जो भौतिक स्वरूप है, वो भौतिक स्वरूप का प्रभाव, उस भौतिक स्वरूप का दोष उस पाइप के साथ जुड़े गए। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे भी रूप आया वहाँ शरीर आया, और जहाँ शरीर आया वहाँ शरीर के दोष आएंगे ही। बिना शरीर कोई भी ऐसा नहीं है जो दोष रहित हो, सब शरीरों के साथ में दोष है, लेकिन वो दोषों का महिमा मंडन नहीं होता। इसके कारण जीवंत गुरु के बाद में वो दोष कोई भूल भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता उनको कोई तकलीफ थी, उनको कोई परेशानी थी। दूसरा, एक बार मैंने एक संदेश में लिखा था कि योगी भोग भी करता है तो भी योग के साथ करता है, और भोगी योग भी करता है तो भोग के साथ करता है। इसका अर्थ ये कि योगी क्या कर रहे हैं, उसका आचरण देख करके, उसका व्यवहार देख करके आप उसको समझ नहीं पा सकते, समझ नहीं सकते। वो दिखता है आपको कि वो भी सोया हुआ है, जैसे आप सोए वैसे वो भी सोया हुआ है। दिखता है सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ नहीं रहता है, वो सोते सोते भी जगा हुआ रहता है। यानी हमको दिखता है सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ नहीं, वो अंदर से जगा हुआ है। ये कैसे आपको समझाता, एकदम छोटे छोटे उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि आपको ना एकदम सामान्य बातें बताई तो समझ में आएगी, एकदम खूब हाई फाई बताए समझ में नहीं आएगा। मैं मेरे पोते के साथ पंजा लड़ा था, ऐसे हम दोनों पलंग पे बैठते हैं, मैं इधर से हाथ पकड़ता हूँ, इधर से हाथ पकड़ते हैं, हम दोनों पंजा लड़ाते हैं, और पंजा लड़ाते समय हर दफे मैं ही हारता हूँ। अब सोचो, एक 5 साल के बच्चे से मैं हार सकता हूँ क्या? लेकिन मैं हारता हूँ, क्यों? क्योंकि उस हार में ही मेरी जीत है। ये जानते हुए भी कि मैं इसको हरा सकता हूँ, उसके बावजूद भी मैं हारता हूँ, क्यों? क्योंकि उस हार में ही मेरी जीत है, मेरे को उसे खुश करना है, मुझे उसे प्रसन्न करना है, मुझे उसे खिलाना है। मेरा उद्देश्य पंजा लड़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य जीतना नहीं है, मेरा उद्देश्य उसको प्रसन्न करना है, उसको खुश करना है, उसको खिलाना है, उसका मनोरंजन करना है। तो उसको दिख रहा है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन अंदर से नहीं हारते रहता हूँ, लेकिन दिखता रहता है कि हार रहा हूँ।
मैं उसके साथ कंचे खेलता हूँ, कंचे खेलते समय हर दफे उसको ही जिताता हूँ, कभी भी मैं खुद नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद में उसको जो खुशी मिलती है, उसको जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता से वही मेरी जीत है, वही मेरा उद्देश्य है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु क्या कर रहा है वो आपके समझ में ही नहीं आएगा, उसके सारे खेल जैसे उस पोते के साथ करता हूँ ना, वैसे खेल आपके जीवन में रोज आपके साथ करते रहता हूँ, आपको नहीं समझ में आता, रोज खेलता हूँ और हर दफे नए नए ड्रामे, नए नए नाटक, नए नए खेल ईजाद करते रहता हूँ। अब ये श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण है ना, ये नया खेल है, ये तुमको खिलाने का नया खेल है, तुम उसमें योगदान दो मत दो वो होने ही वाला है, लेकिन तुमको खिलाऊंगा, तुमको प्रोत्साहन दूंगा, तुमने किया तो उसमें इन्वॉल्व करूंगा। तो क्या खेल होते रहते हैं, क्या खेल चलते रहते हैं, उधर ध्यान मत दो, वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, आपको जुड़ने के लिए, आपको उसके अंदर सम्मिलित करने के लिए, आपने भी कुछ किया है ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद आपको प्राप्त हो इसके लिए। जैसे मैंने बताया ना कि पंजा लड़ाते समय केवल एक ही उद्देश्य रहता है, उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य गुरु कार्य ही एक खेल है, आसानी से जो चीज हो सकती है उसको ही दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके सब करके करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए करना है कि उसमें लोग इन्वॉल्व हो, तुम तुम्हारे जीवन की समस्याओं से, तुम तुम्हारे विचारों से, तुम तुम्हारे वातावरण से बाहर निकलो और उसमें लगो, कुछ तो भी चाहिए ना। एकदम ध्यान तुमसे नहीं होगा, ध्यान लगने के लिए एक स्थिति चाहिए, पहले बाहर तो निकलो, पहले एक पवित्र आत्मा तो बनो, एक शुद्ध आत्मा तो बनो। आत्मा होने के बाद में परमात्मा आपके अंदर है, आपके भीतर है, आपको पता चलेगा, लेकिन वो करने के लिए पहले शरीर भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है, विचार के भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब तक नहीं निकलोगे, जब तक वो नहीं पहुंच सकते वहां, आप आपका अस्तित्व शून्य नहीं कर सकते। कई लोग हैं जो गुरु कार्य करते 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 उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, आत्मविश्वास आ गया है कि ये गुरु कार्य मेरे हाथ से इतना अच्छा हुआ तो मैं भी मेरे जीवन में एक अच्छा कार्य कर सकता हूँ, एक निर्माण कार्य कर सकता हूँ। देखिए जैसे एक लंगड़ा है कि नहीं, वो लंगड़े को अगर आपने एक बार पूर्व दिशा में दौड़ाना सिखा दिया, एक बार वो सीख गया वो दिशा में दौड़ना, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, अरे मैं पूर्व में दौड़ सकता हूँ, पश्चिम में भी दौड़ सकता हूँ। तो उसी प्रकार से पंजा लड़ाते समय उसको अगर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जीत सकता हूँ, मैं इनको भी हरा सकता हूँ, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, किसी को भी जीत सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से गुरु कार्य करते करते कई साधकों के अंदर ये आत्मविश्वास आ गया कि अरे इतना बड़ा कार्य मेरे हाथ से हो सकता है, फिर तो मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास ही आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे देता है, एक सकारात्मक बदलाव दे देता है, एक सकारात्मक चेंज आपके जीवन में आता है। ठीक उसी प्रकार से कई साधक हैं जो गुरु कार्य करते 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 अपनी समस्याओं में से बाहर आ गए, अपने विचारों में से बाहर आ गए, अपनी चिंताओं में से बाहर आ गए और आते आते गुरु कार्य के साथ इतने समरस हो गए कि उनका अस्तित्व ही शून्य हो गए। फिर उनकी खोज बाहर की समाप्त हो गई, परमात्मा को बाहर ढूंढना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को खोजना, परमात्मा की जिज्ञासा
सब समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया परमात्मा जानने वाला नहीं है, परमात्मा दिखने वाला नहीं है, परमात्मा पहचाना नहीं जा सकता, परमात्मा केवल अनुभव 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 ही किया जा सकता है। तो सारा ध्यान सारा चित्त उस अनुभूति के ऊपर आ गया।